कि दिन की शुरुआत हमें खुद को सुन के करनी चाहिए, दूसरों को सुन के करनी चाहिए। मेरे ख्याल में दिन की शुरुआत हमें खुद को ये सुना के करनी चाहिए कि दूसरों को सुनना पड़ता है। और जब आप अपने आप को ये सुना के दिन शुरू करेंगे तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर देंगे फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे। दिन के स्टार्ट से आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम हेयर टू लिसन टू पीपल। तो जहां मुझे सुनना है वहां मुझे सुनने को ध्यान में रखना है, और जहां मुझे सुनाना है वहां मुझे सुनाने को ध्यान में रखना है। और अगर आप ये बात अपने आप को सुना देंगे दिन के शुरू होते ही, यकीन मानिए आपको फिर सुनना लगेगा, किसी का सुनाना उस तरह से नहीं लगेगा। फिर आपको लगेगा कि आपका पूरा दिन इतना स्मूथ गुजरा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सब होता है। अक्सर हम सवेरे जब शुरू करते हैं हम कहते हैं अरे यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी देखना है, और ऊपर से वो तो इतना ज्यादा। ये जब सारी चीजें आप करके, तो आप बुनियादी तौर पर एक बुरा गुमान लेके दिन शुरू करते हैं। आप अपने आप को एक जुमला सुना दें सवेरे उठ के कि भाई जो कुछ भी आज होना है ना तूने टेंशन नहीं लेनी है। जो ही आप ये बात अपने आप को सुना लेंगे और ये बात आप दिमाग तक पहुंचाएं, और दिमाग तक कैसे पहुंचेगी, अपने आप को बार बार ये रिपीट कराते रहें, टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। अब इतना भी नहीं बोलना कि बाद में टेंशन की टेंशन होना शुरू हो जाए, ये भी नहीं करना है आपने। लेकिन ये चीज आपने अपने आप को सुनाते रहना है कि मुझे जितना सुनना है उतना सुनना ही सुनना है, वो मेरे सोचने से अगला बोलना नहीं छोड़ देगा, और जहां मुझे सुनाना है वो मुझे सुनाना ही सुनाना है। जब ये चीज आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन बड़ा पुरसकून दिन होगा हर एतबार से। अब कुछ तो होता है, हम परसीव कर लेते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये सुनना है और ये सुनाना है। कुछ होते हैं पॉपअप जिसको हम बोलते हैं, अचानक कोई बात कहीं से सुनने को आ गई, कोई इधर से अचानक सुनने को कोई बात आ गई, जो हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती है। बस जो हमारी प्लानिंग का हिस्सा ना हो और हमें सुननी पड़ जाए, वो नुकता होता है जहां पर हम उलझते हैं। और जब हम वहां जाकर उलझते हैं तो पूरे लम्हात उलझ के रह जाते हैं। तो ये वाली बात भी साइड पे सवेरे अपने आप को सुना देनी है कि अगर कोई पॉपअप आएगा, कोई इधर उधर की ऐसी बात आ जाएगी जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं अभी एक्सपेक्ट करना शुरू कर दूंगा कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। जब पूरी की पूरी जिंदगी ही बेयकीनी पर यकीन का नाम है, तो मैं इस बेयकीनी के ऊपर भी यकीन करके क्यों ना अपना दिन शुरू कर दूं। और तैयार बड़ा अच्छा होना है, दिल लगा के तैयार होना है इस दिन को। जब आप सवेरे उठ के दिल लगा के तैयार होते हैं ना, तो पूरे दिन के सारे लम्हों के सारी रगों तक ये पैगाम चला जाता है, आई एम रेडी, यू नीड टू गेट रेडी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।